हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अब इनकी तबीयत पहले से बहुत ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है, तब मैं थोड़ी सी खुश हूँ आज। चलो, इनकी थोड़ी तबीयत ठीक है। आज इन्होंने गार्डन में पानी भी दिया कि तबीयत ठीक है, तो मतलब मन भी खुश है। और आज ना मैं कपड़े भी धो रही हूँ, इतने बहुत कपड़े हो गए थे मशीन लगा के। तो क्या मैंने, मेरे को ना पर्दे बहुत टाइम हो गया पर्दे धोए नहीं है, तो ना इतने गंदे हो रहे हैं। तो ना एक बार ना मैंने ना पर्दों को ना उसमें धो दिया मशीन में, उसके जो कुंडे से होते हैं ना, तो मैं कहा चलो धो लेती हूँ, कल वीरवार है, हम धोते नहीं हैं वीरवार को। तो ना पर्दे हैं ना, तो पर्दों के ना जो कुंडे होते हैं गोल गोल, वो ना टूट गए थे। तो मतलब नए पर्दे ले देखो, ख़राब हो गए थे। पता फिर क्या किया मैंने, मैं दिखाऊंगी। आज हमने वही बिछाए हुए हैं, तो हमने पता क्या किया, वो जो पर्दे थे ना उनको ना हमने, एक तो देखो दीवान की चद्दर बन गई, उसमें से कॉटन के थे ना, दीवान की चद्दर बन गई, एक सोफों के कपड़े बन गए, टेबल का कपड़ा बन गया, छोटी गद्दियाँ बन गई, बड़ी गद्दियाँ बन गई, गोल सराहने बन गए जो दीवान के ऊपर रखते हैं। फिर हमने एक पर्दे खराब, मतलब ख़राब नहीं होने दी हमने चीज़ को, उसको हमने यूज़ किया। मम्मी मेरे को बताते कि गद्दी को ऐसे सीना है, ऐसे सीना है, मम्मी मेरे सास, तो जो थोड़े बहुत जो होते हैं ना काम, वो मैं कर लेती हूँ मशीन पे, पड़ी है मेरे पास मशीन। तो ना मैंने उसमें, तो मम्मी मेरे को बताते गए और मैं सिलती गई, और इतना अच्छा सेट बना ना। आज हमने वही बिछाया हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगी भी जो मैंने सेट बिछाया है। तो उसके कुंडे ख़राब हो गए थे, तो हमने ना उसको फिर यूज़ में कर लिया, मतलब वेस्ट नहीं ना हम चीज़ में आया। तो बिल्कुल आपको पता ही है, हम इंडिया वाले ना तो मतलब चीज़ में से चीज़ निकाल ही लेते हैं ना। तो आज ना, आज मेरा भतीजा आया, बड़े दिनों बाद आया, उनको इतनी खुशी हुई है ना, बहुत खुशी हुई ना। मैं मिलवाऊँगी उसको, तो वो मेरी भतीजी को लेने गया, यहीं रहते हैं पास ही, आएंगे ना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। मेरे तो मन को इतनी खुशी मिली है ना कि आए हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को। मेरा भतीजा बड़े दिनों में आया, चलो कोई बात नहीं, आया तो सही। मैं जाऊंगी ना अम्बाला, फिर मैं आपको अपनी भाभी से भी मिलवाऊँगी, मेरे बड़े भाभी मिलवाऊँगी मैं, ठीक है? तो हाँ जी, तो ये है मेरे हस्बैंड। अब तबीयत ठीक है ना आपकी? आज इन्होंने गार्डन में पानी भी दिया ना, है ना? नहीं वो हो गए, नहीं 7-8 हो गई हैं। तो गाइस मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद, कपड़े होने वाले हैं, बस वो लास्ट का घूमने को रह गया, फिर मैं आपसे करूँगी बात और आपको जरूर मिलवाऊंगी अपने भतीजे से, ठीक है? मेरा बहुत प्यारा भतीजा, बहुत प्यार करती हूँ भतीजे, तो देखो सबको प्यारे होते हैं ना। मैं छोटे भाई का है एक भतीजा गुड़िया, बड़े भाई की मेरे दो बेटे हैं, दो बेटियाँ, बड़ी बेटी आने वाली है, यहीं हमारे पास ही रहती है, मतलब लोकल ही है, तो बस आने वाली है, तो मिलवाएंगे आपको बहुत ही प्यार से, प्यारे प्यारे बच्चे। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। A few moments later. रोटी रोटी दिंदे नहीं है, ये वही कहंदे रहंदे मोटा 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 मोटा। मेरा फेवरेट, मेरा प्यारे दो भतीजे रहते हैं। ये मेरा भतीजा, मेरी बड़ी भाभी का बेटा है वो वाला, ये मेरी छोटी भाभी का, ये हमारी प्यारी सी गुड़िया रानी है, ये मैंगो खा रहे, देख लो इसका मुंह। हसदे चेहरिया का मतलब यह नहीं होंगे कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होंगी, वह मतलब यह होंगे कि इन्होंने तकलीफा डील करना होंगे। बिल्कुल सही है। थोड़ी थोड़ी महंगा चाय पी लेते हैं, रात को मैं ब्लॉग बना नहीं पाई क्योंकि थक गए थे, सब सो गए थे, जल्दी सो गए थे, बच्चे सो रहे हैं अभी। तो मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद। मेरा भतीजा जा रहा है, कहता दीदी काम आ गया, ये काम कंप्यूटर पे काम करता है ना, तो कहता दीदी मैं बाद में आऊँगा रहने के लिए, अभी एक दिन ही रुका है, तो मैं आपको मिलूँगी बाद में, मैं अभी नहाई नहीं हूँ। तो कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मिलते हैं आपको, ये भी आ गए थे ड्यूटी से, इनकी थोड़े से इनको तबीयत से ठीक नहीं लग रही थी तो आ गए थे, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, तो मेरा भतीजा अम्बाला आ रहा था, तो हम भी साथ ही आ गए थे, क्योंकि हमें इसलिए आना पड़ा, हमने जाना था, आपको पता ही है पीजीआई हमने जाना था, तो वहाँ पे इनकी पता ही आपको मेडिसिन चल रही है,
तो इसीलिए हम ट्रेन में आ गए थे। ट्रेन में ही हम यहाँ से अम्बाला से चंडीगढ़ नज़दीक पड़ता है, तो हमें चलो हमने सोचा छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, बच्चे भी थोड़ा सा घूम लेंगे, तो हम दोनों चले गए थे पीजीए दवाई लेने। तो हम आपको मिलवाएंगे, पहले हम जाएंगे मेडिसिन लेने, तो वहाँ से आकर मैं आपको अपनी दोनों भाभियों और दोनों भाइयों से मिलवाऊंगी। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहना और प्यार अपना ऐसे ही बनाए रखना, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहना और सपोर्ट जरूर करना, अपना प्यार कम मत करना। तो ऐसे ही बस बने रहना, तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद।